हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो लर्निंग। दिस इज रोहित डागर। इस समझो एनालिसिस शो के एपिसोड में विल बी डिस्कसिंग द रशिया यूक्रेन क्राइसिस। एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया है, जियोपॉलिटिकली बहुत ही सिग्निफिकेंट है, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, तो हमें डिस्कस करना जरूरी है। मीन्स में इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, चैलेंज ये है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में मिलिट्री टेंशन बढ़ती जा रही हैं, वॉर भी हो सकती है ऐसा सोचा जा रहा है। टेंशन्स हैव बीन वेरी वेरी हाई ओवर द लास्ट 7 ईयर्स, बट अभी तो बहुत ही ज़्यादा एस्केलेट हो गया है बिकॉज यूक्रेन हैव एलिजिटली सेड दैट रशिया इज पुटिंग अप अराउंड 1 लाख ट्रूप्स ऑन इट्स बॉर्डर विद रशिया। ऑल्दो अ लॉट ऑफ यू वुड थिंक कि 1 लाख ट्रूप्स इतनी बड़ी बात तो नहीं है, LOC LAC भी तो हम बहुत ज़्यादा ट्रूप्स रखते हैं, बट दिस इज यूरोप। यूरोप के केस में 1 लाख ट्रूप्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बहुत ही ज़्यादा हो गया ये। उसके साथ साथ यहाँ पे नाटो की भी इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा इस रेफरेंस में एनालिसिस होने वाली है, इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, एक तरफ ये बात चल रही है दैट रशिया एंड यूक्रेन आर ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग इनटू अ फुल स्केल वॉर, जो कि बहुत बड़े लेवल पे एस्केलेट हो सकती है, एंड देयर वुड बी ओनली वन आउटकम फॉर दिस, दैट रशिया विल क्रश यूक्रेन बैडली बिकॉज रशिया इज मोर सुपीरियर मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यूक्रेन के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज है नहीं, यूक्रेन को आउटसाइड हेल्प मिल सकती है विच कैन of course escalated to a regional and a global issue altogether, but अगर ऐसा ही इतना आसान है रशिया के लिए टू क्रश यूक्रेन, तो पिछले 7 साल से ऐसा क्यों नहीं कर रहा है रशिया? Why is it not attacking यूक्रेन? और अभी तो काफ़ी टाइम से विंटर्स हम देख रहे हैं, 2-3 महीने से न्यूज़ में चल रहा है कि रशिया अटैक करेगा, रशिया आज करेगा, कल करेगा अटैक, लेकिन रशिया ने अभी तक अटैक नहीं किया है। इट इज़ ट्राइंग अदर डिप्लोमेटिक मीन्स। तो ऐसा क्यों है, ये हमें 3 क्वेश्चन से स्पेसिफिकली समझना है। इन 3 क्वेश्चन के आंसर्स अगर हम ढूंढ पाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा पूरा क्राइसिस क्या है। सबसे पहले, व्हाट इज द इशू, इसकी डीप एनालिसिस जरूरी है। हिस्टोरिकल टाइमलाइन देखेंगे कि ये इशू डेवलप कैसे हुआ है और यहाँ तक पहुँचा कैसे है, क्या क्या यहाँ पे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट सबके वेस्टेड हैं। उसके बाद हम देखेंगे रशिया इज देयर टू विन, व्हाई इज इट अटैकिंग, और क्या वो अलग अलग तरीके अपना रहा है, व्हाई इज इट टीजिंग यूक्रेन ऑल टुगेदर। द थर्ड वन इज इफ अ फुल स्केल वॉर ब्रेक्स आउट तो क्या होगा, रीजनल इश्यूज क्या होंगे, ग्लोबल चैलेंजेस क्या होंगे, इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस होंगे, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, बिफोर वी बिगिन द वीडियो, यू मस्ट अंडरस्टैंड द मैपिंग पार्ट ऑफ इट। मैप्स इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप मैप्स नहीं समझोगे तब तक आप यहाँ पे चैलेंजेस नहीं समझोगे। जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट मैप्स ही समझ में आते हैं। सो लेट अस क्विकली लुक एट अ फ्यू मैप्स, मैं आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है, और इन्हीं मैप्स को मैं बार बार रेफर करता रहूंगा इन द एंटायर वीडियो। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। राइट, सो बिफोर वी प्रोसीड, कुछ मैप्स देख लेते हैं। इन मैप्स की सिग्निफिकेंस पूरे लेक्चर में आपको समझ में आएगी। बार बार आई कीप रेफरिंग टू दीज मैप्स फॉर डिफरेंट ओकेजन, फॉर डिफरेंट रेफरेंसेज, फॉर डिफरेंट एनालिसिस। इन मैप्स को एक बार डिटेल में देख लो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रशिया यूक्रेन की बात हो रही है तो ये है कहाँ पर। देखो, रशिया तो आप जानते ही हो, दिस इज द रशियन कंट्री। उसी के साथ में आपको एक कंट्री दिखाई दे रही है, दिस इज यूक्रेन विच शेयर्स अ बॉर्डर विद रशिया। कैपिटल है कीव, रशिया की नो द कैपिटल इज मॉस्को ऑफ कोर्स। नोटिस दिस पर्टिकुलर रीजन विच इज क्रीमिया, इसका रेफरेंस आपको लेक्चर में बार बार दिखाई देगा। क्या रेफरेंसेज हैं, डोंट वरी, ये भी हम कवर करेंगे। इस वाले रीजन को भी ध्यान रखना, इसको भी मैं आपको बार बार दिखाऊंगा, दिस शेडेड पोर्शन अलग अलग मैप्स में दिखाऊंगा, बार बार रेफरेंस आएगा। इस रीजन का नाम है डॉनबास। यहाँ पर 2 स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हैं जो कि हमें देखने होंगे, जो हैं डोनेट्स्क एंड लुहानस्क, इनका आप ध्यान रखना। एंड दीज आर इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ यूक्रेन बॉर्डरिंग रशियन रीजन। यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा सेपरेटिस्ट मूवमेंट कामयाब हो चुकी हैं, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। अदर देन दैट, यू नो दिस इज द वेस्टर्न यूरोपियन रीजन। यहाँ पर एक बार बेलारूस की लोकेशन ध्यान से देख लो, यूक्रेन शेयर्स अ बॉर्डर विद बेलारूस, विद पोलैंड, विद स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, मोल्डोवा, एंड देन दिस इज द ब्लैक सी। यहाँ पर देखो, दिस इज द सी ऑफ अजोव, द सी ऑफ अजोव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं, इनका जिक्र भी आगे होगा। उसके बाद मैं आपको ये वाला मैप दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे आपको नाटो अलायंस वर्सेस वॉर्सॉ पैक्ट वाली कंट्रीज के बीच का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और हमें स्पेसिफिकली यहाँ पर ये देखना है कि इनके बीच की ये बाउंड्री लाइन उस टाइम पर कहाँ पर थी। इसको ऑब्जर्व कर लो फिलहाल, इसका रेफरेंस मैं भी आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट मैप में। देखो, देयर इज अ क्लियर डिविजन बिटवीन द नाटो कंट्रीज एंड द वॉर्सॉ पैक्ट कंट्रीज। नाटो इज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इट इज़ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज द नॉर्थ अटलांटिक अलायंस, एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है बिटवीन 27 यूरोपियन कंट्रीज एंड टू नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, एक यूरेशियन कंट्री भी आती है टर्की, कि सभी कंट्रीज एक दूसरे को मिलिट्री अलायंस के साथ सपोर्ट करती हैं। इसी के कंपेरिजन में इसी को अपोज करने के लिए वॉरसो पैक्ट बनाया गया था, जहाँ पे देखो ये सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन के अंदर ही यूक्रेन है, इसलिए आपको भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कि यूक्रेन कहाँ है। मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि देखो नाटो और सोवियत के बीच में बहुत सारी कंट्रीज़ आ रही थी, फॉर एग्ज़ाम्पल ईस्ट जर्मनी था, पोलैंड था, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, इन कंट्रीज़ को एक बफर स्टेट की तरह यूज़ किया जा रहा था। ये बफर स्टेट वाला रेफरेंस आगे लेक्चर में आएगा, इसलिए समझना ज़रूरी है। व्हेन टू बिग जायंट्स डोंट वांट टू लॉक हॉर्न्स विद ईच अदर, तो उनके बीच में काफ़ी सारी बफर स्टेट्स हो जाती हैं। सोवियत का पार्ट नहीं थी लेकिन इनकी इन्फ्लुएंस में थी, सोवियत यूनियन की इन्फ्लुएंस में कंट्रीज़ थी और इनको यूज़ किया जा रहा था इन दी वॉर्सो पैक्ट। अब देखो सडनली नोटिस करना यहाँ पे हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, पोलैंड को, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR द सोवियत यूनियन व्हेन इट ब्रोक अवे, उसके बाद देखो नाटो अलायंस अभी रिसेंटली कहाँ तक पहुँच चुका है। द नाटो अलायंस नाउ हैज़ एस्टोनिया, लैटविया, लुथेनिया, उस टाइम पे तो इनका जिक्र था ही नहीं, पोलैंड देखो, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, ये सभी अब नाटो अलायंस के अंदर हैं, टर्की, ये सभी नाटो अलायंस के अंदर हैं, दिस इज़ यूक्रेन, ये बेलारूस है, ये मॉल्डोवा है, लेकिन अभी इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। आप ये देखो कि नाटो इज़ पुशिंग टूवर्ड्स रशिया, ईस्टवर्ड टूवर्ड्स रशिया, और यहाँ पर जो रशिया है इसके पास बफर स्टेट्स कितनी कम बची हैं, सिर्फ बेलारूस, यूक्रेन और मॉल्डोवा है बिटवीन रशिया एंड द नाटो कंट्रीज़। अगर आप एस्टोनिया, लैटविया को हटा दो तो छोटी कंट्रीज है, रशिया इनको मैनेज कर पा रहा है। स्वीडन, फिनलैंड की हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक बफर कंट्री की तरफ है, लेकिन आर्कटिक रीजन में इतनी टेंशन नहीं है, बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हैं, इतनी बर्फ़ में कौन लड़ने जाएगा। लेकिन जो वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के पास एक डिवाइड था वॉर्सो पैक्ट का, एक जो लाइन डिवाइड कर रही थी नाटो और वॉर्सो पैक्ट को, वो अब काफ़ी फेड अवे हो चुकी है। नाटो इज़ पुशिंग टूवर्ड्स द ईस्ट, इसका रेफरेंस हमें समझना है। बेलारूस तो बहुत ज़्यादा रशिया की अलाइंड है, बट यूक्रेन के साथ रशिया की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से नाटो इज़ फाइंडिंग अ वे टू रीच द रशियन बॉर्डर्स प्रोमिनेंटली। अब यूक्रेन में ज़रा मैं आपको ये वाला रीजन दिखा देता हूँ, मैंने आपको अभी पहले ही दिखाया था, दिस इज़ दी डॉनबास रीजन। यूक्रेन के ईस्टर्न फ्रंट में आपको ये डॉनबास रीजन दिखाई देगा, जहाँ पे ये दो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन आपको दिखाए, लुहानस्क और डोनेट्स्क, इन दोनों की बहुत ही सिग्निफिकेंस है। क्रीमिया आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, अभी हम इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, इसकी मैपिंग पहले करना ज़रूरी है। और ये डीमार्केशन लाइन को भी याद रखना, ये मैं मैप आपको बार बार दिखाता रहूँगा। ये डीमार्केशन लाइन कहाँ पे है, इसी डॉनबास रीजन के बीच में ये डीमार्केशन लाइन है, जहाँ पे एक तरफ सेपरेटिस्ट हैं, प्रो रशियन सेपरेटिस्ट जो कि यूक्रेन से अलग हो चुके हैं, और एक तरफ यूक्रेन की गवर्नमेंट है मिलिट्री के साथ टिकी हुई है किसी तरीके से इस रीजन को बचाने के लिए, लेकिन ये बट चुका है। एंड दिस हैज़ बीन ऑफिशियली साइंड अंडर दी मिन्स्क अग्रीमेंट, दो मिन्स्क अग्रीमेंट हो चुके हैं। द डिटेल्स ऑफ दिस अग्रीमेंट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द समझो ऐप, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस आर्टिकल में वी हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स थरली। राइट, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एनालिसिस, हो क्या रहा है, क्यों ये क्राइसिस बना है। नाउ दैट यू नो वॉट आर द मैप्स ऑफ दिस एरिया, अब हमें ये देखना है कि वाई इज दिस इशू अकरिंग एट ऑल, ऐसा क्या हुआ है यहाँ पे जिसकी वजह से ये पूरा इशू डेवलप हुआ है। उसके लिए हमें हिस्टोरिकल टाइमलाइन देखनी जरूरी है दोनों कंट्रीज़ की। देखो रशिया और यूक्रेन की बात हो रही है, आपने मैप में देखा होगा कि दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं, आपने सोवियत यूनियन का मैप भी देखा होगा जब यूक्रेन वॉज पार्ट ऑफ द USSR, सोवियत यूनियन ओनली अलॉन्ग विद रशिया। तो ऐसा क्या हुआ कि दो कंट्रीज दैट शेयर अबाउट 1974 किलोमीटर्स ऑफ देयर बॉर्डर, और उसके साथ साथ दे हैव हिस्टोरिकल, कल्चरल, फैमिलियल लिंक्स, उसके बाद इनमें ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ गई हैं। आप एक तरह से सोच सकते हो कि ये फैमिलियल लिंक्स भी हैं, कल्चरल लिंक्स भी हैं, सेंचुरीज ओल्ड, तो फिर प्रॉब्लम्स तो नहीं आनी चाहिए थी। बट टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यहाँ पे भी वही इश्यूज हैं कि फैमिलियल लिंक हैं, दी सेम कंट्री 7 decades बैक, और उसके साथ साथ यहाँ पे कल्चरल इश्यूज बहुत पुराने हैं, उसके बाद भी टेंशन हैं काफ़ी ज़्यादा, अच्छे रिलेशन नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के। द सेम केस कैन बी अप्लाइड टू यूक्रेन एंड रशिया। अब इसके लिए हमें यहाँ पर एक बार हिस्टोरिकल टाइमलाइन भी साथ साथ देखनी ज़रूरी है।
सबसे पहले हमें देखना है कि 1991 में यूक्रेन ब्रोक ऑफ फ्रॉम द सोवियत यूनियन अलॉन्ग विद 14 अदर स्टेट्स. जब ये सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसके बाद यूक्रेन की आइडेंटिटी बनी थी. अब 1991 में यूक्रेन, बेलारूस और रशिया ने बोलोवेजा अकॉर्ड साइन किया फॉर द डिसइंटीग्रेशन. फिर यूक्रेन स्ट्रेटेजिकली वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूएसएसआर बिकॉज ऑफ इट्स एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एंड स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स ऑन द ब्लैक सी. लेकिन वो अलग हो गया. 1993 में यूक्रेन ने हाइपर इन्फ्लेशन देखा. ये एक टाइम था जब काफ़ी कंट्रीज हाइपर इन्फ्लेशन देख रही थी. 2014 में यूक्रेन इट फेल्ड टू सील द अग्रीमेंट विद द यूरोपियन यूनियन फॉर अ स्पेशल अग्रीमेंट एंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स. ये पॉपुलेशन जो यहाँ की थी, पब्लिक ये चाहती थी कि यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाए. रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत ज़्यादा अपने टाइप्स बनाए या नाटो की तरफ इंक्लाइन हो, बिकॉज ऑब्वियसली रशिया वुड वॉन्ट कि बेलारूस की तरह ही यूक्रेन ऑल्सो स्टेज अलाइंड विद रशिया और ये बफर स्टेट बन के रहे दोनों बड़ी बड़ी कंट्रीज विद दी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज. तो ज़्यादा इंट्रैक्शन रशिया का ना हो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ. और यही कंट्री जो कि पहले वॉर्सो पैक्ट का हिस्सा थी, यूरेशियन इकोनॉमिक अग्रीमेंट का हिस्सा थी, लेकिन अब ये नहीं है. तो फिर उसके बाद रशिया कुछ कुछ चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, नर्वसनेस है. देन 2014 के अंदर ही जब ये यूरोपियन अग्रीमेंट टूट गया तो यूरो मैदान मूवमेंट देखने को मिली, ऑल्सो नोन एज द यूरोपियन स्क्वायर. यूरो मैदान को हम ऐसा बोलते हैं, यूरो मैदान को यूरोपियन स्क्वायर ही बोलते हैं. दिस प्रोटेस्ट बाय द पब्लिक इन कीव जो कैपिटल है ऑफ यूक्रेन. फिर उसके बाद जो यूक्रेन का जो पार्लियामेंट था उसी टाइम पे ही इन्होंने इम्पीच कर दिया उस टाइम के प्रेसिडेंट को जिनका नाम था यानुकोविच. यानुकोविच को इमीडिएटली लगा कि यहाँ पे तो काम खत्म हो गया है. ही फ्ली टू रशिया एंड ही कॉल्ड इट अ कू कि ये तो ज़बरदस्ती मुझसे सत्ता छीन ली गई है. पुतिन जो कि उस टाइम पे रशिया के प्रेसिडेंट थे, ही फाउंड दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू काम दी एंग्री पब्लिक इन रशिया जो कि पुतिन में काफ़ी ज़्यादा विश्वास खोते जा रहे थे. कहीं इलेक्शंस रिग हो गए, कहीं ये हो गया, इस तरीके एलिगेशन लग रहे थे. इन्होंने सोचा कि इस टाइम पे सबको डाइवर्ट कर देता हूँ टुवर्ड्स यूक्रेन. ही फाउंड दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवर्स हिज फॉलिंग पॉपुलैरिटी एंड रशिया इन्वेडेड एंड एनेक्स्ड क्रीमिया जो कि चाहता था कि रशिया उनको अपने अंदर मिला ले. और क्रीमिया को यूक्रेन से रशिया ने छीन लिया. रशियन पब्लिक भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और पुतिन की जो पॉपुलैरिटी वो रातों रात रिवर्स हो गई, बहुत ही हाई लेवल पे चली गई. देन देर वॉज अ रेफरेंडम जो कि हुआ था और उसके बाद 95% पब्लिक ऑफ द क्रीमियन एरिया दे सेड कि हमें रशिया के साथ ही रहना है. उसी टाइम पे G8 वॉज रिड्यूस टू G7 बिकॉज जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उन्होंने देखा कि ये तो बहुत गलत हो गया है. दे बैकलैश्ड एट रशिया और उन्होंने रशिया को निकाल दिया G8 से और G7 रह गया. उसके बाद 2014 में द न्यू यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो कि आए, इनका नाम था पेट्रो पोरोशेंको, इन्होंने EU के साथ डील कर ली स्पेशल अग्रीमेंट के लिए. और फिर सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो गई डॉनबास रीजन में, जो मैंने अभी आपको मैप दिखाया था. डॉनबास रीजन में प्रो रशियन सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुई. ये वो लोग हैं जो कि अपने आप को रशियन एथनिसिटी का मानते हैं और रशियन गवर्नमेंट इनको बैक करती है. दो स्पेसिफिक यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ब्रेक हुए, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क. यहाँ पर इतना ज़्यादा आर्म्ड रेबेलियन हो गया था कि बाद में सीज फायर लाइन हुई थ्रू दी टू मिन्स्क अग्रीमेंट्स. इनके बारे में समझो ऐप पे आप देख सकते हो. आई लीव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऐप एंड द आर्टिकल वेयर वी कवर्ड दिस पर्टिकुलर टॉपिक. वहाँ पे जाके आप देखो, यू विल फाइंड डिटेल्स अबाउट द मिन्स अग्रीमेंट इफ यू वांट टू रीड. सो फिर दोनों मिन्स अग्रीमेंट साइन होने के बाद 2021 में अभी चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ गए बिकॉज रशियन ट्रूप्स हैव स्टार्टेड गैदरिंग ऑन द यूक्रेनियन बॉर्डर और रशिया हैज पुट अराउंड 20 वॉरशिप्स इन द ब्लैक सी रीजन. यहाँ पर टेंशंस एस्केलेट हो रही हैं. यूक्रेन को लग रहा है कि क्रीमिया हमसे ले लिया और उसके बाद डॉनबास रीजन भी हमसे ले लिया, अब पूरे यूक्रेन के ऊपर बात आ गई है. इसीलिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन अराइज हो रही है. नाउ लेट अस लुक एट द मेन कोर पार्ट ऑफ द वीडियो, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस कॉन्फ्लिक्ट. सबसे पहला है बैलेंस ऑफ पावर एंड बफर जोन. देखो यहाँ पर बात ये हो रही है कि जब से डिसइंटीग्रेशन हुआ है USSR का और यूक्रेन एक अलग आइडेंटिटी के साथ आया है, एक तरफ है नाटो की पावर्स, नाटो अलायंस, नाटो कंट्रीज, एक तरफ है रशिया. बड़े जायंट्स हैं जो कि चाहते हैं कि आपस में एक दूसरे पे प्रेशर बिल्डअप किया जा सके. दी वेस्टर्न कंट्रीज वांट दिस एज अ बफर जोन, दे डोंट वांट टू लॉक हॉर्न्स विद रशिया. सिमिलरली रशिया ऑल्सो वांट्स यूक्रेन एज अ बफर जोन, दे डोंट वांट टू लॉक हॉर्न्स विद द वेस्टर्न वर्ल्ड. दो जायंट्स कभी भी एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करके खुश नहीं होते हैं. इसीलिए यहाँ पर पावर का बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जिसकी तरफ यूक्रेन इंक्लाइंड होगा, यूक्रेन जिसके फेवर में होगा, उसके पास ज़्यादा एडवांटेजेस होंगी. सो इंस्टेड कॉन्करिंग यूक्रेन, ईच पार्टी वांट्स टू अलाइन यूक्रेन टुवर्ड्स देयर अलायंस. तो नाटो चाहता है कि यूक्रेन हमारी तरफ आ जाए, रशिया चाहता है कि हमारी तरफ ही रहे अलॉन्ग विद बेलारूस. इसलिए यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से सब एक दूसरे को डरा रहे हैं
रशिया यूक्रेन को डरा रहा है कि किसी तरीके से मेरे साथ रहो, मेरे से दूर मत जाना, और बाकी दुनिया को भी डरा रहे हैं कि आप इनको अपने साथ मत लेके आओ, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेज हार्श होंगे। सेकेंड है द रशियन इंटरेस्ट इन ब्लैक सी। देखो, अगर ब्लैक सी का आप मैप देखोगे, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्रॉस रोड फॉर लॉट ऑफ कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज का ओपनिंग ही टूवर्ड्स दी सी ब्लैक सी के थ्रू होता है। सी ऑफ अजोव बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, और रशिया चाहता है कि इस एरिया को डोमिनेट करे। जो इस एरिया को डोमिनेट करेगा वो आसपास की रीजनल कंट्रीज पे भी डोमिनेट करेगा। इस पैसेज को वो सिक्योर करना चाहता है, इसीलिए अपनी नेवल शिप्स भी उसने वहाँ पे उतार रखी हैं, क्रीमिया के आसपास भी, सी ऑफ अजोव में भी, यूक्रेन पे प्रेशर बनाने के लिए भी। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट कॉरिडोर फॉर गुड्स एंड एनर्जी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैक सी एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रशिया, क्योंकि रशिया के पास ऑयल की सप्लाईज बहुत ज़्यादा हो गई हैं और इसको अपने ट्रांजिट रूट्स चाहिए अलग अलग जगहों पर ऑयल को सप्लाई करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। देन देर आर प्रोटेस्ट इन यूक्रेन, यूरोमैदान मूवमेंट कई में मैंने आपको बताया था, इस टाइम पर काफ़ी टर्बुलेंस है, तो रशिया और यूक्रेन के बीच में रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, एस्केलेट हो रहे थे। उसके बाद हम बात कर सकते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट की। सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो हुई डोनबास रीजन में, इससे यूक्रेन रशिया के रिलेशन बहुत ख़राब हो गए, बिकॉज इफ वन कंट्री सपोर्ट्स अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट विच टेक्स अवे लैंड फ्रॉम द होम कंट्री, तो ऑब्वियसली वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा नाराज होगी, यूक्रेन गवर्नमेंट बहुत नाराज है। यूक्रेन इज नॉट सपोर्टिंग रशिया इन एनी ऑफ इट्स एंडेवर। वो चाहते हैं कि डोनबास रीजन को रेजोल्यूशन करो, क्रीमिया वापस दो, तो हम बात भी करें आपकी तरफ आने की। इससे और ज़्यादा अलाइनमेंट होती जा रही है यूक्रेन की टुवर्ड्स दी नाटो कंट्रीज, टुवर्ड्स दी यूरोपियन यूनियन। देन वी कैन टॉक अबाउट द इन्वेजन ऑफ क्रीमिया। क्रीमिया में इन्वेजन करने के बाद रशिया ने जो थोड़े बहुत भी चांसेस थे यूक्रेन के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के, वो ख़राब कर लिए, तो फिर यूक्रेन के साथ अब उनको ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। वेरी लो चांसेस ऑफ हैविंग अ म्यूचुअल डायलॉग जिसके बेसिस पे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो पाए, बिकॉज क्रीमिया की पॉपुलेशन खुद ही नहीं चाहती है कि वो यूक्रेन के साथ मिले, वो रशिया के साथ ही जाते हैं। 95% रेफरेंडम इज अ बिग वोट इन टर्म्स ऑफ रशियन आइडेंटिटी। लास्ट वी कैन टॉक अबाउट द नाटो अलायंस फॉर यूक्रेन। अब नाटो यूक्रेन को अपने अंदर लेके आने के लिए बहुत एफर्ट लगा रहा है, यूक्रेन भी बहुत जल्दी नाटो के साथ मिल जाना चाहता है, सो दैट इट गेट्स दी सिक्योरिटी बैकिंग, द मिलिट्री बैकिंग ऑफ द नाटो कंट्रीज। उसके बाद यूक्रेन कैन पुश टूवर्ड्स एन अग्रेसिव मोड इन रशिया, टूवर्ड्स रशिया, जिससे कि उनको ये रहे कि कुछ दिक्कत हो गई तो नाटो मुझे संभाल लेगा। दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकंड क्वेश्चन कि व्हाई इजंट रशिया अटैकिंग, कि इतना बड़ा देश है यूक्रेन, तो छोटा सा देश है, एक बार ही अटैक करो, कब्जा करो और फिर कहानी को ख़त्म करो। रशिया अटैक क्यों नहीं कर रहा है, टीज क्यों करे जा रहा है यूक्रेन को, क्या प्रेशर बिल्डअप करना चाहता है? काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये भी थी कि विंटर जब ख़त्म हो जाएंगी 2022 में, उसके बाद रशिया अटैक करेगा, बट वी नो दैट रशिया इज़ केपेबल ऑफ फाइटिंग इन विंटर्स एज वेल। जर्मनी गवाह इस बात का, वर्ल्ड वॉर टू में काफ़ी ज़्यादा नुकसान जर्मनी ने झेला था बिकॉज रशिया हैड द केपेबिलिटी ऑफ फाइटिंग इन विंटर्स, और जर्मनी ऐसा नहीं कर पाया। तो इस केस में तो हम नहीं कह सकते कि रशिया के पास ये केपेबिलिटीज़ नहीं है, फिर वेट किस चीज़ का किया जा रहा है? एंड फैक्ट जितना ज़्यादा वेट कर रहे हो उतना ज़्यादा यूक्रेन भी स्ट्रांग होता जा रहा है। यूक्रेन इज़ बाइंग ड्रोन्स फ्रॉम टर्की, यूक्रेन को नाटो के अंदर लाने की जल्दबाजी हो जा रही है, यूएस इज़ पुटिंग अप मोर प्रेशर, और यहाँ पे इकोनॉमिक सैंक्शन और बढ़ सकते हैं, तो रशिया वेट किस चीज़ का कर रहा है? देखो, फाइटिंग अ वॉर इज़ नॉट ईजी, देर इज़ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व, देर इज़ लॉट ऑफ मिलिट्री इन्वॉल्व, डेवेस्टेशन होगी, एक तरफ इकोनॉमिक सैंक्शंस बढ़ सकते हैं, लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर, उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस का भी रोल आएगा, और सबसे बड़ा चैलेंज ये है इट कुड एस्केलेट टू अ रीजनल और अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। रशिया कोई डर है कभी बात हाथ से ना निकल जाए। ऑल्दो रशिया इज नॉट स्केर्ड ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस एनीमोर, यूरोपियन यूनियन यूएस कितना भी सैंक्शंस लगा ले, रशिया इज फाउंड अ वे टू डेवलप इट्स इकोनॉमी और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकता है विदाउट सपोर्ट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन विद इकोनॉमिक सैंक्शंस फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि जिसके पास ऑयल के इतने सारे रिसोर्सेज मिल जाएं आर्कटिक सर्कल में तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इनका मैन्युफैक्चरिंग पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, दे हैव फाउंड अ वे टू कंटिन्यू द ग्रोथ इन दर इकॉनमी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इनको सैंक्शंस नहीं चाहिए या सैंक्शन चाहिए, दे वॉन्ट अ हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर द इकॉनमी। काफ़ी चीज़ों को सोच के रशिया चुपचाप बैठा हुआ है, और एक चीज़ अगर डराने से काम हो सकता है तो उसके लिए लड़ाई करने की ज़रूरत क्या है? एंड फुल स्केल वॉर में जाए बिना अगर सेपरेटिस्ट मूवमेंट या एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया यहाँ से भी काम चल पा रहा है तो फुल स्केल वॉर में जाकर करना क्या है? अगर रशिया यूक्रेन को कब्जा लेता है, एनेक्स कर लेता है, तो एक और प्रॉब्लम है, आप बफर जोन बना रहे हो, आप खुद ही नाटो की बाउंड्री पर आके बैठ गए हो, तो आप नहीं चाहते हो कि आप नाटो के साथ बाउंड्री बनाओ, आप ये भी नहीं चाहते हो कि यूक्रेन नाटो में जाए, आप ये भी नहीं चाहते हो कि आप यूक्रेन को कब्जा के नाटो की बाउंड्री पर आ जाओ। इन दैट केस यू जस्ट वॉन्ट यूक्रेन टू स्टे देयर इन द सेम वे एज इट इज़ राइट नाउ।
टेंशन बना के रखो, प्रेशर बना के रखो, यूएस के पास अपने सिक्योरिटी पॉइंट्स भेजते रहो कि हमें ये रीजनल सिक्योरिटी के पॉइंट्स आप हाँ करके दो, यू विल नॉट गेट इनटू दिस चैलेंज, यू विल नॉट गेट इनटू दिस क्राइसिस, नाटो को यहाँ से आप दूर रखोगे, यूरोपियन यूनियन को आप यहाँ से दूर रखोगे, ये सब चीज़ें रशिया पॉइंट आउट करता जा रहा है, नहीं तो हम अटैक कर देंगे. इट इज़ वर्किंग टू सम एक्सटेंट, बट लेट्स सी हाउ दिस बॉइल्स अप इन द कमिंग डेज, कमिंग वीक्स और कमिंग मंथ्स. एंड देन वी हैव टू कम टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है दुनिया पे, स्पेशली इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ रहा है. देखो, हम यूरोपियन यूनियन और यूएस का तो जानते हैं कि वो नहीं चाहते कि यूक्रेन रशिया के साथ अलाइंड रहे, वो ये नहीं चाहते कि यूक्रेन को रशिया एनेक्स करता जाए या कॉन्कर करता जाए, वही चाहते हैं कि ये थोड़ा सा अलाइंड रहे टूवर्ड्स द यूरोपियन यूनियन एंड नाटो, ताकि रशिया प्रेशर बना के रखा जा सके, रीजनल सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके ऑफ द यूरेशियन रीजन, पूरा यूरेशियन, सिर्फ सेंट्रल एशिया के बारे में मत सोचो या सिर्फ ईस्ट यूरोप के बारे में मत सोचो, पूरे यूरेशियन रीजन की सिक्योरिटी की यहाँ पे बात हो रही है. लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है. एक तरफ हम अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी को प्रमोट करते हैं और इस वैल्यूज़ के साथ ये कंट्री हम जी रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें यूक्रेन का साथ देना चाहिए, यूक्रेन इज द विक्टिम हियर. दूसरी तरफ रशिया हमारा फ्रेंड है तो हमें रशिया का भी साथ देना है. यहाँ पे डिप्लोमेसी की बात हो रही है, आपको डिप्लोमेसी में अपना फ़ायदा देखना होता है रादर देन लुकिंग एट व्हाट इज हैपनिंग. एथिकली ये कंसर्न दिख सकता है काफ़ी लोगों को, बट कंट्री लेवल पे एथिक्स इतने ज़्यादा नहीं आते, वहाँ पे डिप्लोमेसी ज़्यादा आती है. इंडियन स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में ये है कि रशिया इज़ अ फ्रेंड, वी नीड रशिया फॉर लॉट ऑफ आर मिलिट्री सप्लाईज एंड ट्रेड एंड एवरीथिंग. यूक्रेन से भी अच्छे रिलेशंस थे, बट अभी बहुत ही मैसिव लेवल पे हमने यूक्रेन का सपोर्ट नहीं किया है. क्रीमिया के एनेक्सेशन के टाइम पे भी इंडिया चोज की चुपचाप बैठे रहते हैं, साइलेंस अगर हम बना के रखेंगे तो हम एक तरीके से अपोज नहीं कर रहे हैं. द इंटायर वर्ल्ड वॉज अपोजिंग रशिया फॉर एनेक्सिंग क्रीमिया, इंडिया वॉज क्वाइट. रशिया ने सोचा कि जब पूरी दुनिया मेरे को अपोज कर रही है, इंडिया चुप है, इसका मतलब इंडिया मुझे अपोज नहीं कर रही है, तो वो एक कंसेंट के तरीके से रशिया ने ट्रीट किया. इंडिया ने सोचा कि अगर मैं अपोज नहीं कर रहा हूँ तो मैं अग्री भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा चुप रहने का मतलब ये है. पता नहीं सीक्रेट चैनल से क्या बात हुई होगी, वो तो हम कभी नहीं जान पाएंगे, बट ओवरऑल इंडिया केप्ट क्वाइट इन द केस ऑफ क्रीमिया ऑल्सो, पर अभी भी इंडिया इज क्वाइट. इनफैक्ट यूक्रेन ने रेजोल्यूशन भी पास किया था, कोशिश की थी यूएन में कि एक रेजोल्यूशन पास हो जाए, उस केस में 2020 में इंडिया ने अपोज किया था उस रेजोल्यूशन को अगेंस्ट रशिया और रशिया का साथ दिया था. अब ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में इंडिया क्यों आ रहा है, क्यों आना चाहता है, बिकॉज इंडिया कांट अफोर्ड टू लूज रशिया एंड इंडिया कांट अफोर्ड टू हैव गुड रशिया एंड चाइना रिलेशंस, वो इंडिया के लिए डिट्रीमेंटल हो सकते हैं. पहले भी हम ये देख चुके हैं, 1962 में भी जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था, उस टाइम पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, चाइना न्यू कि रशिया उसको अपोज नहीं करेगा, इंडिया और सोवियत यूनियन के अच्छे रिलेशंस थे, सोवियत यूनियन ने बिल्कुल भी चाइना के इस मूव को अपोज नहीं किया, इंडिया का सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज उनको चाइना की ज़रूरत थी ग्लोबल प्रेशर को काम डाउन करने के लिए इन टर्म्स ऑफ द 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. उसी टाइम पे ये इंडिया पे अटैक हो गया था, वही सिचुएशन इंडिया दोबारा नहीं बनाना चाहता. तो अ स्ट्रॉन्ग चाइना रशिया रिलेशंस इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया, और जितना ज़्यादा वेस्ट रशिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाएगा, जितना ज़्यादा वेस्ट चाइना पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाएगा, उतना ही रशिया चाइना क्लोज आते जाएंगे. इससे हमें चैलेंज एक और है कि हम चाइना से दूर, हम रशिया से दूर, वी आर ऑटोमेटिकली बिंग पुश्ड मोर टूवर्ड्स द यूएस. यूएस अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा दिखता है और अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट मनवाता भी बहुत ज़्यादा है. इस मामले में यूएस इज़ वेरी वेरी एडमिट, और इंडिया अगर एक ही कॉर्नर में एक ही अलायंस के साथ अगर बैठा रहेगा तो हमारा जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट डाइवर्सिफाई हम करने की कोशिश करते हैं कि वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स ऑफ एवरीवन, वी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट इन डिफरेंट रीजन्स, और सभी लोगों के साथ हम चलना चाहते हैं, वो हमारा पर्पस डिफीट हो जाता है. एंड वी कांट अफोर्ड टू बी विद द यूएस इन ऑल एस्पेक्ट्स. वी वांट टू हैव गुड रिलेशंस विद यूएस एंड वी वांट टू हैव गुड रिलेशंस विद रशिया एंड चाइना एज वेल, स्पेशली रशिया. राइट, सो दिस वॉज अबाउट द रशिया यूक्रेन क्राइसिस. और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं एक छोटी वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाया, बट वी हैव थॉरली कवर्ड देम इन द रशिया यूक्रेन क्राइसिस एनालिसिस पोस्ट दैट वी हैव कवर्ड इन समझोस कॉर्नर. इट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री फॉर एवरी वन. समझो की ऐप को डाउनलोड करो, इट इज़ अवेलेबल बोथ ऑन द एंड्रॉयड एंड iOS प्लेटफॉर्म, फॉर फोन्स, फॉर टैबलेट्स, एंड्रॉयड, फॉर आईफोन, फॉर आईपैड, इट इज़ अवेलेबल. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ वेबसाइट पे देखना चाहते हो तो उसका भी हमने पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऑफ दिस वीडियो. जस्ट चेक इट आउट एंड रीड ऑल द पॉइंट्स दैट आर रेलेवेंट, अपने नोट्स में ऐड कर लो. राइट, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. सी इन द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू.